Good morning, students. How are you doing? Hope you are staying safe at home. Okay, I welcome back you to your accountancy class with me, your Neha ma'am. Okay, in the accountancy, we are doing chapter number 5, that is admission of a partner. And in the last video, I have sent you how to deal full question or complete question or big question, whatever you say. Okay. In today's video, I will solve the same type of question, that is complete question, so that you can get better grip on this. Okay, this is question number 68. We are going to do this today. Okay, Shyam Lal and Sanjay were in partnership business, sharing profits and losses in the ratio of 2:3 respectively. Shyam Lal और Sanjay जो हैं वो partnership business में हैं और वो लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका क्या है 2:3 रिस्पेक्टिवली. उनका बैलेंस शीट ये है, दिखाया हुआ है आपको. और आपको मैंने क्या बताया है, बैलेंस शीट में सबसे पहले आपको अगर कोई मिठाई वाला आइटम हो और अगर फिक्टीसियस एसेट्स जो होता है, लॉसेस वाला जो आइटम्स है वो आपको देखना है, तो ताकि उसका ट्रीटमेंट आप कर सकें. ठीक है, तो कोई भी आइटम यहाँ पर नहीं है. ऑन 1 अप्रैल 2019 they admitted Shankar into partnership. इस डेट में 1 अप्रैल 2019 को उन्होंने क्या किया, एक शंकर नाम के पर्सन को न्यू पार्टनर के रूप में एडमिट कर लिया. और उसको कितना शेयर देते हैं, 1/3 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑन द फॉलोइंग टर्म्स. 1/3 शेयर देने को तैयार हैं, बट ये टर्म्स एंड कंडीशंस क्या करना पड़ेगा, शंकर को मानना पड़ेगा. ओके, शंकर इज टू ब्रिंग इन 30,000 as his capital and 20,000 as goodwill, which is to remain in the business. उसको business में रहना है तो ठीक है, which is to remain in business. मतलब शंकर कितना लेकर के आएगा, 30,000 रुपये कैपिटल और 20,000 रुपये गुडविल लेकर के आएगा, और जो कि business में ही रहेगा, उसको कोई withdraw नहीं करने वाला है. इसका मतलब ये है. ओके, स्टॉक एंड फर्नीचर आर टू बी रिड्यूस्ड इन द वैल्यू बाई 10%. स्टॉक और फर्नीचर 10% रिड्यूस हो जाएगा. बिल्डिंग इज़ टू बी अप्रिसिएटेड बाय 15,000. बिल्डिंग 15,000 से बढ़ जाएगा. प्रोविजन ऑफ 5% इज़ टू बी मेड ऑन सैलरी डेटर्स फॉर डाउटफुल डेब्ट. ठीक है, प्रोविजन 5% का बनने वाला है. अनअकाउंटेड अक्रूड इनकम ऑफ ₹2,400 टू बी प्रोवाइडेड फॉर. ओके, एक अनअकाउंटेड अक्रूड इनकम है, ये आपको मैं समझाऊंगी जब मैं बना रही हूँगी इसको. ओके, तो हम लोग इसको नहीं इतना समझ लेते हैं हम लोग कि क्या है, एक अनरिकॉर्डेड असेट्स, न्यू असेट्स अचानक से हमारे सामने आ गया जो कि हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया था. ओके, तो दिस इज अनरिकॉर्डेड असेट्स. ओके, अ डेटर हुज ड्यूज ऑफ ₹4,800 वेर रिटर्न ऑफ एज बैड डेब्ट पेड 50% इन फुल सेटलमेंट. एक डेटर था, 4,800 का डेटर था, जिसको हमने मान लिया था कि बैड डेप्ट होने वाला है, मतलब ये कुछ भी नहीं देने वाला, हमें एक रुपया भी नहीं देने वाला है, और इसको हमने बैड डेप्ट अकाउंट में डाल दिया था. अचानक से वो क्या करता है, 50% दे देता है. ओके, तो ये हमें क्या हो गया, ये भी हमें फ़ायदा हुआ है. आउटस्टैंडिंग रेंट अमाउंटिंग टू ₹4,800. एक रेंट है जो कि आउटस्टैंडिंग है, उस 4,800 है. ठीक है, आपको दिखाना है सो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. आपको मैंने बार बार कहा है ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का दूसरा नाम होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट. मतलब आपको अगर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट दे दे या रीवैल्यूएशन अकाउंट दे दे, मतलब एक ही चीज होता है, आपको रीवैल्यूएशन बनाना है. ठीक है, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स एंड ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म. आपको तीन काम करने हैं. ठीक है, पहला है आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, दूसरा आपको बनाना है ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड तीसरा बैलेंस शीट. तो हम लोग पहला काम करेंगे कि जो भी क्वेश्चंस ने हमें डिमांड किया है हम लोग उसको ध्यान में रखते हुए फॉर्मेट बना लेंगे. ओके, तो पहला फॉर्मेट है रीवैल्यूएशन अकाउंट. ओके, okay.
डेबिट एंड क्रेडिट, ओके, पर्टिकुलर्स अमाउंट ये सब मैं नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। देन हमारा सेकंड है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओके, तीन पार्टनर्स हैं हमारे तो हम तीन लिख रहे हैं, तीनों का नाम लिखेंगे यहाँ पे, काफी नाम बड़े बड़े हैं, ओके। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, सबसे पहला नाम है श्यामलाल, 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 ओके। सेकंड इज माय संजय, संजय एंड शंकर, ठीक है, संजय एंड शंकर, ओके। तो ये हमारे, ठीक है, पार्टनर्स हो गए जिनका नाम हमने लिख लिया। एंड थर्ड हमें क्या करना था, बैलेंस शीट प्रिपेयर करना था, तो हम लोग उसका भी फॉर्मेट खींच लेंगे, ओके। बैलेंस शीट, लायबिलिटीज रुपीस, असेट्स रुपीस। आपको जो मैं स्टेप्स बता रही हूँ आपको सेम स्टेप्स फॉलो करना है, आपने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। मैंने बैलेंस शीट भी बना लिया, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वर्किंग नोट्स के लिए स्पेस छोड़ेंगे, वर्किंग नोट्स, ओके। वर्किंग नोट्स में पहले आपको क्या निकालना है, मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था, अगेन रिपीटिंग, आपको सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। First thing you have to do is to calculate the sacrificing ratio. Sacrificing ratio. Okay, क्या आपको करना है, sacrificing ratio निकालना है, तो आपको ध्यान से देखना है। sacrificing ratio मैंने आपको बताया था, old share minus new share, but nothing is given in the question about the new share. New share के बारे में question में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग क्या मानेंगे, ये ओल्ड सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड शेयर, ओल्ड शेयर को ही हम लोग क्या मानेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो मानेंगे। तो हमारा कितना हो जाएगा, 2:3, ओके। सेकंड हमने, हमारा जो थर्ड जो पार्टनर था उसका नाम क्या था, आई थिंक आपको याद होगा, शंकर, ठीक है। शंकर ने एक हाथ में, आपको तो पता है रिवाज है, ये कस्टम है कि जब भी न्यू पार्टनर आता है अपने दोनों हाथ में कुछ ना कुछ भर भर कर लेके आता है, ठीक है। इस हाथ वाले को क्या बोलते हैं, कैपिटल, और इस हाथ वाले को बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल, ओके। तो इस हाथ वाले में गुडविल कितना लेकर के आया है, सॉरी कैपिटल 30,000, एंड यहाँ पर ये लेकर के आया है 20,000 एज प्रीमियम, ओके। तो देखिए आपको क्वेश्चन में कहीं भी जर्नल एंट्री करने को नहीं कहा गया है, बट एज हम लोग सीख रहे हैं इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जर्नल एंट्री भी कर लेंगे, ओके। तो पहले जर्नल एंट्री क्या करते हैं, हमेशा आपको पता है ये कैश लेकर के आया हुआ है, हमें कैश में पैसा दिया हुआ है, कैश अकाउंट डी आर टू शंकर्स कैपिटल अकाउंट, शंकर्स कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ओके। इसमें कितना लेकर के आया है शंकर ने, 30,000 लाया उसने गुडविल के नाम पे, एंड प्रीमियम के नाम पे 20,000 लेकर के आया, टोटल 50,000 हो गया हमारा, ओके।
आई थिंक दिस एंट्री इज क्लियर। हम लोग इसलिए एंट्री कर रहे हैं ताकि हम लोग लेजर पोस्टिंग जो तीनों करना पड़ेगा, ठीक है, रियलाइजेशन में, रिवैल्यूएशन में करना पड़े या फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में करना पड़े, तो हम लोग इजिली कर सकते हैं। इसलिए हम लोग इसको, हमने, हमें क्वेश्चन में कोई भी डिमांड नहीं किया गया है कि आप जनरल एंट्री पास करो, बट हम लोग फिर भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग रफ वर्क में करके रख रहे हैं ताकि हम लोग जो यहाँ पे लेजर पोस्ट करेंगे उसमें हमें दिक्कत ना हो या फिर कोई भी गलती ना हो, ठीक है, ओके। दूसरा हमें क्या करना है इसमें कि इस प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू श्यामलाल अकाउंट टू संजय अकाउंट, ओके। टोटल हमारा प्रीमियम फॉर गुडविल था 20,000 और हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना है, 2:3। तुम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 2:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ओके। तो हो जाएगा हमारा 8,000 एंड हियर हो जाएगा 12,000, ठीक है। इतना हमारा काम हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे, सीधे रियलाइजेशन अकाउंट में जंप कर जाएंगे, ओके। नुकसान इधर लिखना है, फायदा इधर लिखना है, मतलब डेबिट साइड क्या रिकॉर्ड करना है हमें, लॉसेस और एक्सपेंसेस, इधर इनकम एंड गेन, ओके। तो पहला है, देखिए मैं पढ़ती जा रही हूँ, आप समझते जाइए। पहला स्टॉक के बारे में दिया है, स्टॉक एंड फर्नीचर आर टू बी रिड्यूस्ड इन द वैल्यू ऑफ 10%। स्टॉक और फर्नीचर दो चीज रिड्यूस हो गया है, रिड्यूस हो गया मतलब हमारा असेट्स रिड्यूस हो गया, आप समझ लीजिए हमारा नुकसान हुआ है। टू स्टॉक अकाउंट एंड टू फर्नीचर अकाउंट, ठीक है, 10% का नुकसान हुआ है हमारा, तो हो जाएगा 1800 एंड 440, ठीक है। सेकेंड हमारा क्या हुआ है, बिल्डिंग इज टू बी एप्रिसिएटेड बाई ₹15,000। बिल्डिंग हमारा 15,000 से बढ़ गया, हमें फायदा हो रहा है ना, हम इधर लिख देंगे बाय बिल्डिंग अकाउंट 15,000, ओके। देन अगेन नेक्स्ट इज प्रोविजन फॉर 5% इज टू बी मेड ऑन सन्ड्री डेटर्स फॉर डाउटफुल डेप्ट। हमें प्रोविजन बनाना है 5% सन्ड्री डेटर्स के ऊपर डाउटफुल डेप्ट के नाम पे, तो ये हमारा क्या हो गया है, लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी मतलब नुकसान, इधर लिखेंगे हम टू प्रोविजन फॉर DD, ठीक है, 275। ई देखिए, जो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी बाद में, अनअकाउंटेड अक्रूड इनकम ऑफ ₹2,400 टू बी प्रोवाइडेड फॉर, ओके। मतलब हमें पता नहीं था, अचानक से हमें नया एक असेट्स दिखाई दे दिया, ठीक है, बाय अक्रूड इनकम, इनकम अकाउंट, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो ब्रैकेट में न्यू असेट्स, अचानक से कोई नया असेट्स मिल गया आपको, ठीक है, तो आप उसका, आपको फायदा हो गया, कितने का हो रहा है भाई, 2400, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको क्या हो गया था, बैड डेप्ट था, ₹4,800 में आपने लिख दिया था कि बैड डेप्ट है, बैड डेप्ट मतलब आपको कुछ भी हो जाए आपको रिकवर नहीं होने वाला है, अचानक से वो रिकवर हो जाता है, तो आप उसको क्या करोगे, लिखोगे बाय कैश अकाउंट, मतलब आपको पैसा मिला बैड डेप्ट का था, जो बैड डेप्ट होने वाला था, ब्रैकेट में लिख देंगे हम लोग बैड डेप्ट्स रिकवर्ड, ओके। तो हमारा बैड डेप्ट रिकवर्ड हो गया, कितना, 50%, दैट इज 2400, ठीक है। अब लास्ट एक बचा हुआ है आपको, आउटस्टैंडिंग रेंट अमाउंटेड टू 4800, आउटस्टैंडिंग रेंट मतलब रेंट बचा हुआ है, हमें रेंट पे करना है, टू आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है बचा हुआ है 4800, ठीक है।
अब कोई भी आइटम्स नहीं है, अब हमें क्या करना है, बैलेंस करना पड़ेगा, दोनों तरफ ऐड करो तो इस तरफ का ज़्यादा होता है, तो हम लोग इसी को दोनों तरफ लिख देंगे 19,800, ओके। अब हम लोग लिख लिए, अब हम लोग इधर जो बैलेंसिंग फिगर आएगा उसको इधर लिखेंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हो और प्रॉफिट अकाउंट भी लिख सकते हो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर टू प्रॉफिट लिख सकते हो, मैं ब्रैकेट में प्रॉफिट लिख रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर है हमारा, दिस इज 12,485। इसको हमें जो भी यहाँ का बैलेंसिंग फिगर होता है ओके, इसे हमें ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है इन अ ओल्ड रेशियो, रिपीटिंग अगेन ओके। यहाँ पे जो भी बैलेंसिंग फिगर आपको दिखाया जाता है इसको आप ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन अ ओल्ड रेशियो ओके। तो हम लोग किसको किस पे करेंगे, श्यामलाल एंड संजय ओके। तो हमारा क्या है 4,994,7,491 ओके, हमारा ये हो गया। अब हमारा नेक्स्ट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सो सिंपल। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको कैपिटल यहाँ पे खोल लेना है जो बैलेंस शीट दिया हुआ है और इसको देखना है। देखो सबसे पहले हम लोग इस साइड से स्टार्ट करते हैं, सैंड्री क्रेडिटर्स, क्या हमने सैंड्री क्रेडिटर्स को टच किया है, आंसर इज नो, तो उसको हम एज इट इज लिख देंगे, सैंड्री क्रेडिटर्स और वी आर डूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हम लोग क्या करेंगे अभी, आई थॉट वी आर डूइंग बैलेंस शीट ओके, वी आर डूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हम लोग जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट है उसको यहाँ पे लिख देंगे, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन ठीक है, 34,050 सेम हियर 34,050 ओके। और यहाँ पे क्या लगा देंगे, डैश। अब आपने एक और एंट्री देख लो, शंकर्स कैपिटल अकाउंट के नाम पे एंट्री, इसको हम लोग पोस्ट करेंगे, नाम हो जाएगा टू कैश अकाउंट, सॉरी बाय कैश अकाउंट ठीक है, हियर डैश एंड हियर वी विल राइट 30,000 ओके। देन हमारा एंट्री में ही आप देखो एक चीज और छुपा हुआ है, प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए जो हमने श्यामलाल और संजय को दिया था ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट ओके, यहाँ पे 8,000 और यहाँ पे 12,000, यहाँ पे हो गया डैश ओके। और लास्ट में हमने ये एंट्री करनी है, ये जो प्रॉफिट को जो ट्रांसफर होता है वो वाली, बाय रीवैल्यूएशन के नाम पे अकाउंट ओके, और हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे प्रॉफिट ओके, यहाँ पे है 4,994,7,491 ठीक है, हियर डैश। इतना हमने कर लिया, अब हम क्या करेंगे, इधर तो कोई आइटम नहीं है हमारा, इसको हम लोग टोटल कर लेते हैं ठीक है, तो इधर आता है 30,000, इधर आता है 53,541 एंड इधर 47,044 ठीक है, सेम चीज को दोनों साइड लिख देंगे, 30,000 एंड 53,541 47,044 ठीक है। और हम लोग यही सेम अमाउंट को क्या करेंगे, यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर के नाम पे लिख देंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन ठीक है, 47,044 देन 53,541 एंड 30,000, हमने तीनों लिख दिया ओके। लास्ट इज आवर बैलेंस शीट, हमें लास्ट में क्या करना है, बैलेंस शीट बनाना है, जो कि मैं आपसे पहले ही डिस्कस कर ली थी बाय मिस्टेक, बट नाउ आई हैव टू डिस्कस दिस।
हमने यहाँ पे देखो बैलेंस शीट को देखना है। सबसे लोग किस साइड देखते हैं, लाइबिलिटी साइड देखते हैं। सैंड्री क्रेडिटर, सैंड्री क्रेडिटर्स को हमने बिल्कुल भी टच नहीं किया है। ओके, तो हम लोग उसको एज इट इज उतार देते हैं। सैंड्री क्रेडिटर्स, ओके, 12,435 रुपये। फिर हम लोग लिखेंगे कैपिटल अकाउंट्स, तीनों पार्टनर का नाम लिख लेंगे यहाँ पर। तीनों पार्टनर का नाम क्या क्या है, ओके, श्याम लाल, देन शंकर, शंकर एंड संजय। शंकर का 30,000 था, यहाँ लिखते हैं 30,000। श्याम लाल का है, जो हमने यहाँ पे एंड में जो बैलेंसिंग फिगर में हमारा जो बैलेंस आता है इसी को हम कैपिटल मानते हैं। ओके, तो आई एम राइटिंग द सेम कैपिटल 47044। देन इधर आता है 53,541, लिख लिया। और हमें देखो ध्यान से, तो हमारा जो एक और न्यू आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से जो न्यू लायबिलिटी बना है वो भी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट, कितने का है, 4,800। ओके, तो हमारा इस साइड कंप्लीट हो गया। अब देखो इस तरफ क्या क्या है हमारे पास। ठीक है, सबसे पहले है, हम लोग लिखते हैं बिल्डिंग, सॉरी कैश है हमारा, कैश लिख लेते हैं। कैश बैलेंस शीट में कितना कैश दिया हुआ है, 710। ठीक है, इसमें हम कैश जोड़ देंगे, यहाँ पे जो हमें कैश मिला 50,000, 50,000 जोड़ दिया। प्लस यहाँ पे जो हमें देखो बैड डेप्ट रिकवर्ड के नाम पे जो कैश आया है 2,400, उसको भी जोड़ देंगे। हो गया, टोटल हो गया 53,110। सेकेंड आइटम है हमारा बैलेंस शीट में कैश एट बैंक, जिसको हम एज इट इज लिख देंगे, हमने उसको टच नहीं किया है। कैश एट बैंक, व्हाट इज द अमाउंट, 11,925 रुपीज। ओके, सेकेंड इज डेटर्स, डेटर्स हमारा कितना था, 5,500, 5,500, उसमें हम लेस करेंगे प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, उसको इसी फॉर्मेट में लिखना है, हमें चेंज नहीं करना है आपको, 275 जो था। ठीक है, ये हमने क्या कर लिया, माइनस किया तो हो जाता है 5,225। ओके, द नेक्स्ट है हमारा स्टॉक इज 18,000 माइनस 1,800, ओके, 16,200। फर्नीचर 4,400 था, इसमें हमने माइनस किया था 10%। ओके, तो ये हो जाता है 3,960। देन हमारा लास्ट बिल्डिंग है, बिल्डिंग है 40,000, और इंक्रीमेंट कितना हुआ था, बढ़ोतरी कितना हुआ था, 15,000 का। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हमने कर लिया, 55,000। ओके, एंड लास्ट हमें क्या करना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट को चेक करना है। ठीक है, देखो चेक करो तो यहाँ पे न्यू एसेट्स एक आ रहा है। ठीक है, तो हमने न्यू एसेट्स को भी लिखना है यहाँ पर। ठीक है, न्यू एसेट्स कितना है, अक्रूड इनकम के नाम पे हमारा न्यू असेट्स है, दिस इज 2,400। ओके, इसको टोटल हम कर लेंगे। ठीक है, मैंने आपके लिए सब कुछ करके रखा था कि वीडियो थोड़ा कम शॉर्ट बने और आप देख पाओ, लंबी वीडियो देखते हुए आप बोर हो जाते, लूज योर इंटरेस्ट। ओके, सो बैलेंस शीट मैचेस एंड वी हैव डन द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन, करेक्ट सॉल्यूशन। ओके, सो आई होप, ठीक है, इन नेक्स्ट असाइनमेंट यू विल एबल टू डू योर क्वेश्चन। ओके, टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू।